नमस्कार, मैं आपके साथ आदित्य सिंह आजाद स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। भोपाल आए फिल्म अभिनेता इमरान खान से हमारे संवाददाता सौ सिद्दीकी की एक खास बातचीत। आज हम मौजूद हैं भोपाल में और हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के एक्टर इमरान खान जी, और वो आज भोपाल आए हुए हैं कुछ निजी कामों से अपने, और वेब सीरीज के लिए भी आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। इमरान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और किस काम से आप भोपाल आए सर? सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि हमारे भतीजे के करियर का आगाज़ हो रहा है। वो अपना करियर शुरू कर रहा है, इज़ बिकमिंग अ रेस्टोरेंटर। तो एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट वो शुरू कर रहा है जिसका नाम है जैतून ख़ास। जैतून मतलब एक जड़ी बूटी है जिसका शुमार कुरान में भी हुआ है, तो बड़ा पाक नाम है। तो जो कुक्स हैं ये बॉम्बे से आए हैं और बॉम्बे के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट्स के कुक्स आए हैं जो हम लेके आए हैं। सो द मेन ओकेजन इज़ दैट आई हैव कम फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस रेस्टोरेंट जैतून ख़ास, जो हमारा भतीजा उमर है उसका है। और बाकी एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे शूट करने के लिए। होपफुली बाय फरवरी मिड यहाँ पे शूट करेंगे। तो इट्स अ मिनी वेब सीरीज़, ये 9 एपिसोड की सीरीज़ है। कॉप बेस्ड इंस्पेक्टर की केसेस जो हैं वो एवरी एपिसोड विल हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइम रिलेटेड केसेस। तो एक ही इंस्पेक्टर रहेगा जो शाहबाज खान प्ले कर रहा है, बाकी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होंगे। कुछ हम भोपाल के भी एक्टर्स लेंगे, कुछ बॉम्बे से भी एक्टर्स आएंगे। तो एक 3 या 4 हम ऐसी स्टोरीज भोपाल में शूट करेंगे और 1-2 स्टोरीज इंदौर में भी शूट करेंगे। तो उसकी लोकेशन के लिए आया हूँ मैं। सर, आप काफ़ी टाइम से फिल्मों से और से गायब हैं, तो क्या कुछ नई प्लानिंग चल रही? नहीं, गायब नहीं, हम करते रहते हैं अपने हिसाब से। लास्ट मेरा शो था दिव्य दृष्टि, स्टार प्लस पे था। प्लस मैं अपना खुद का प्रोडक्शन करता हूँ, आई मेक एड्स, आई मेक शॉर्ट फिल्म्स, अभी वेब भी बनाता हूँ मैं, 2 फिल्में बनाई हैं। तो टीवी कर करके थोड़ा बोर हो गया था, ऊब गया था। बहुत रेगुलर वही मोनोटोनियस, वही बोरिंग, स्टूडियो में चले जाओ वही पुराने घिसे पिटे रोल्स मिलते। तो अब क्या है कि कुछ नया सीखने का दिल कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, मैं राइटिंग में इन्वॉल्व होता हूँ। तो मैं अब ज़्यादा अपनी क्रिएटिव फ्रीडम इन्जॉय करना चाह रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इस लाइन में, तो अब मैं थोड़ा सा ग्रो करना चाहता हूँ एज अ क्रिएटिव पर्सन। डायरेक्शन, राइटिंग, तो मैं इन सब पहलुओं को छू रहा हूँ। एक मैंने अभी एक वेब सीरीज़ कंप्लीट की है, अगेन मेरे प्रोडक्शन में, जो मैंने डायरेक्ट भी की है, नैन्सी। तो ये 9 एपिसोड की सीरीज़ हमने शुरू की है, नेटफ्लिक्स पे बाउंस किया है, MX प्लेयर पे बाउंस किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन वहाँ ज़रा लाइन बहुत लंबी लगी है बड़े बड़े लोगों की, बट डेफिनेटली हो जाएगा, नेटफ्लिक्स, Amazon या Z5 तीनों में से एक में हो जाएगा। तो आई एम इन्जॉइंग दैट, ये नैन्सी वेब सीरीज़ कम्प्लीट की है। और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिखना, शूट करना, पोस्ट प्रोडक्शन करना, मतलब बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़। सर, अभी देखा जाए तो जैसे बॉलीवुड का जो अभी OTT का वो चल रहा है, बड़े पर्दे पे जो मूवीज़ वगैरह हैं, वो ज़्यादातर लोग वेब सीरीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा क्यों? यार देखिए, वैसे भी थोड़ी सी जो थिएटर का चलन कम हो गया था, बहुत कम फिल्में अच्छी चल रही थी, और ये कोरोना आने के बाद, मार्च 2020 के बाद, तो एकदम ही मतलब थिएटर का देखा जाए तो खेल ही ख़त्म हो गया। कितने स्टेट्स में तो थिएटर खुले ही नहीं है अभी तक, और जहाँ थिएटर खुले भी हैं वहाँ पे भी ऑडियंस अब नहीं जा रही है। और दूसरा, वेब सीरीज़ जो है, जैसा आपने बताया, ये OTT प्लेटफॉर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है। यहाँ पे एक तो बहुत बहुत कंट्रोल्ड सेंसरशिप नहीं है, आप अलग अलग मौजू पे बना सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बना सकते हैं, आप अपने ख्यालात जो हैं बेसाख्ता लोगों तक पहुँचा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ऐसा कोई बहुत ख़ास सेंसर इस पर अभी तक के है नहीं। तो और दूसरा है कि इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, तो एक आपको कहानी मिल जाती है एक एपिसोड में। और मैं जो देख रहा हूँ आज की जो यंग जनरेशन है, इसमें इतना पेशेंस नहीं है कि जाके 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म देखें। तो आई फील दे आर गेटिंग मोस्ट सेटिस्फैक्शन वॉचिंग अ 20-25 मिनट स्टोरी। और ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसा हर चीज़, अब VHS आया था, उसके बाद VCD आया, फिर DVD आया, सैटेलाइट टेलीविज़न आया, सैटेलाइट के बाद मतलब ये दौर आते गए, तो अभी ये OTT का दौर है, ये फैशन है OTT का, देखिए कितना चलता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, लोग इसको इन्जॉय कर रहे हैं।
सर, वेब सीरीज़ को ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे फैमिलियर नहीं होती, फैमिली मूवी, फैमिली के साथ बैठ के इस तरह की मूवी जो होती है वो नहीं देख सकते। कई ऐसी वेब सीरीज़ आई है, तो उसके ऊपर ये वही है ना कि जैसे कि जो चीज़ में, जो चीज़ का जो मैंने बताया कि एडवांटेज है, जो चीज़ की एक फ़ायदा है कि यार सेंसरशिप नहीं है, आप अलग अलग मौजू के ऊपर अलग अलग टॉपिक पर बोल सकते हो, तो यहीं कितने कई लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठा लिया, उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। मतलब बिना मतलब के गंदी जबान के डायलॉग्स आ रहे हैं, बिना मतलब के सेक्स सीन्स आ रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी ज़बरदस्ती का एक फ़िज़िकल एक्सपोजर दिखा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने काफ़ी चीज़ें लोगों ने इसका क्या कहते हैं मिसयूज़ किया है, बट इसके टोटली ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वेब सीरीज़ ही अश्लील है या सारी वेब सीरीज़ गंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ एक जगह पे सीन्स आते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, बाकी एक स्टोरी लाइन है, एक इमोशन है, एक कहानी है। कितनी वेब सीरीज़ तो नॉवेल्स पे से बेस्ड हैं, कितनी बायोग्राफीज़ हैं, आप देखोगे तो बहुत वेरीड किस्म का एंटरटेनमेंट आ गया है इसके ज़रिए से। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग मौजू पे लोगों को बोलने का वो एक फ्रीडम मिली है। तो आई डोंट बिलीव कि सारी वेब सीरीज़ अश्लील है। मैं अपनी जैसा नैन्सी की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने एक बनाई थी वाइफ एंड मेट्रो, आप वो भी देखिए, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक होता है, लेकिन वही समाज में जो हो रहा है वहीं से ही हमने कहानियाँ उठाई हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप भोपाल आए हैं, भोपाल आके आपको कैसा लगा? आई एम श्योर कि इससे पहले भी आप भोपाल आ चुके हैं। एनीवे, इससे पहले मैंने अपनी एक फ़िल्म यहाँ पर पूरी कम्प्लीट की है, फीचर फिल्म ही है, यहाँ पर हमने शूट की है। मैं भी 2 साल पहले हम आए थे, वो फ़िल्म हमने यहाँ पे कंप्लीट की, एंटायरली शॉट इन भोपाल। और ये बच्चों के ऊपर से फ़िल्म है, 4 बच्चे हैं जिनकी कहानी है, उनके साथ जो बचपन में जो दर्दनाक हादसा होता है, कैसे उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी उसके बाद कैसे चेंज हो जाती है। तो उस सिलसिले में मैं 3-4 बार आया था लोकेशन रेकी करने और भी कास्टिंग करने, कुछ भोपाल के भी एक्टर्स हमने लिए थे, फिर हमने शूटिंग यहाँ पे की है, पूरी कंप्लीट की है। तो भोपाल मेरा 4-5 बार आना हुआ है और बहुत कमाल की जगह है, बहुत कमाल की जगह है, अमेजिंग प्लेस। और इत्तफाकन ये है कि मैं हमेशा सर्दियों के महीने में ही आता हूँ, जैसे अभी भी मैं जनवरी में आया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है, मोहब्बती लोग हैं और खाना पीना और यहाँ की तहजीब, तो इसका तो इसकी मिसाल दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू भोपाल। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान खान जी, और ये यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वेब सीरीज़ को लेके, तो हम यही दुआ करते हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। कैमरामैन अमन के साथ मैं सऊद सिद्दीकी, KKR न्यूज़ भोपाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।